हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग मैं फ्राइडे इवनिंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने इससे पहले वाला व्लॉग एंड किया था। तो अभी इवनिंग का टाइम चल रहा है, तो मैं हस्बैंड के लिए चाय बनाऊँगी, अपने लिए नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हमने आज लंच थोड़ा सा लेट किया था। हम लोग पल्टन मार्केट गए थे, मैंने आपके साथ शेयर किए थे वीडियोज़ वगैरह, तो हम लोग मार्केट से आके काफ़ी लेट हो गए थे, तो लंच भी लेट हुआ था। तो अभी मुझे कुछ मन नहीं कर रहा है चाय कॉफ़ी वगैरह लेने का, वैसे मैं चाय बहुत कम लेती हूँ। तो चाय बनाने के बाद मैं यहाँ पे सारे बर्तन क्लीन कर लूँगी। ये लंच के बर्तन हैं एक्चुअली, क्योंकि मैंने बर्तन वॉश नहीं किए थे लंच करने के बाद। मैं थोड़ी देर मतलब सो गई थी, तो इस वजह से बर्तन ऐसे ही रह गए थे। तो मैं सबसे पहले बर्तन क्लीन करूँगी और उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूँगी। और इसके बाद मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ गाजर का हलवा बनाने की, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कुछ मीठा बनाया नहीं था और इस सीज़न में गाजर का हलवा मैं पहली बार बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब घी ले लिया है, जिसको मैंने हल्का सा गर्म किया है, और उसके बाद कद्दूकस किया हुआ गाजर ऐड कर दूँगी। और इसको तब तक मैं भूनूँगी जब तक कि इसमें से सारा पानी सूख ना जाए। इसमें डायरेक्ट मैं दूध ऐड नहीं करूँगी, इसको 15 से 20 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो तब तक मैं इसको चलाते रहूँगी बीच बीच में, एक एक दो दो मिनट के गैप पे, जब तक इसका सारा पानी सूख ना जाए। और अभी मैंने इसमें डाल दिया है दूध। जब इसमें से सारा पानी सूख जाता है तो इसमें मैं डाल देती हूँ दूध, और उसके बाद अभी सारा दूध सुखाना पड़ेगा। ऐसे ही खुला करके पकाऊँगी मैं, और इसको बीच बीच में चलाते रहूँगी ताकि ये लगे ना नीचे। तो जब तक गाजर का हलवा रेडी हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे दूसरी साइड मेथी छान लूँगी, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मेथी की कुछ नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली, जो हमारे पहाड़ों में बनाई जाती है। तो बहुत से लोगों को तो पता भी होगा, लेकिन जिन्होंने देखा नहीं है या फिर अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ये रेसिपी देख सकते हैं, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ ट्राई भी कर लीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। और बीच में मैं हलवा भी चेक करते जाऊंगी कि दूध पूरा सूखा या नहीं, और नीचे लगने के चांसेस ना हो, इसलिए इसको चेक करते रहना पड़ता है बीच में।
अब मैं यहाँ पे आटा गूंथ लूँगी और यहाँ पे मैं गेहूँ के आटे के साथ थोड़ा सा रागी का आटा भी मिला लेती हूँ, क्योंकि विंटर्स में रागी का आटा खाना चाहिए, वो हेल्दी होता है। और मैं हमेशा पूरे रागी के आटे की एक साथ नहीं बनाती हूँ, मैं उसमें थोड़ा सा गेहूँ का आटा भी मिक्स करती हूँ, क्योंकि गेहूँ के आटे के साथ अगर रागी का आटा मिक्स करके बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है और टूटती भी नहीं है रोटियाँ, बहुत सॉफ्ट बनती हैं। और यहाँ पे हलवे में से दूध पूरा सूख चुका है, तो अब हलवा थोड़ा थोड़ा सा नीचे लगना स्टार्ट हो गया है, तो इस स्टेज में यहाँ पे शुगर ऐड कर दूंगी। तो बहुत ज़्यादा मीठा मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा ही शुगर ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने बाद में किया था। तो साथ ही मैं यहाँ पे खोया भी ऐड कर दूंगी, जिसको मावा भी कहते हैं आई थिंक, तो खोया ऐड कर दूंगी। ये मैंने कल ही बनाया था घर पे, तो ये फ्रिज से अभी निकाला था, तो इस वजह से काफ़ी हार्ड है, निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इसके बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से चलाऊंगी और उसके बाद गैस ऑफ कर दूंगी। इधर हलवा एकदम रेडी हो गया है, गर्मा गर्म गाजर का हलवा, बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा और हस्बैंड का भी, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, आप सबके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी, जिसमें मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं, जिसको चॉप भी किया हुआ है छोटे छोटे पीसेस में। और उसके बाद इसको चला दूंगी, मतलब मैं नहीं, यहाँ पे हस्बैंड आए हैं मेरी हेल्प करने के लिए। तो आप देख रहे हैं गर्मा गर्म गाजर का हलवा तैयार है, बहुत अच्छा कलर आया है इसका, और खोया डालने के बाद तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो आप लोग भी ट्राई करिए अगर इस सीज़न में अभी तक आपने गाजर का हलवा ट्राई नहीं किया है तो। तो दूसरी तरफ मैं स्टार्ट कर दूंगी सब्जी बनाना। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ऑयल गर्म किया है, इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने जीरा ऐड किया है। इसके बाद मैंने 2 कटी हुई हरी मिर्च और साथ में 2 पीसेस मैंने आलू कट किए थे, तो इसको पतला चॉप किया है ताकि हल्का सा ये भुन जाए और जल्दी पक जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी और इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से ढक ढक के पकाऊँगी ताकि आलू एकदम सॉफ्ट हो जाएँ और हल्के से पक जाएँ। और ये पानी मैंने गर्म किया हुआ है पीने के लिए, तो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करूँगी ताकि पीने लायक गुनगुना पानी हो जाए। आफ्टर 5 मिनट्स आप देख रहे हैं आलू हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं और ये हल्के से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं मेथी ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने पतला पतला करके चॉप किया था, और मेथी को बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो तुरंत ही पक जाती है। बस मैं इसको 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाऊंगी और इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि आलू अच्छी तरीके से पक जाए। 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि पानी पूरा सूख चुका है, आलू भी पक गए हैं, तो मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसको फ्लेम ऑफ करके रख दूंगी ताकि सब्ज़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि एकदम गर्म सब्ज़ी में दही ऐड करेंगे तो फट भी सकता है, तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, थोड़ी देर फ्लेम ऑफ कर देती हूँ ताकि सब्ज़ी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पर दही ऐड करूँगी, तो दही बहुत गाढ़ा था इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और इसी के साथ मैं यहाँ पर मसाले भी ऐड कर दूँगी और फ्लेम ऑन कर दूँगी।
लेकिन यहाँ पे नमक ऐड नहीं करूँगी क्योंकि नमक सबसे लास्ट में ऐड करना होता है जिससे दही फटे ना। और इसको चलाते रहेंगे और कंटिन्यू चलाने के बाद आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा आ गया है इसका। तो इसको अच्छी तरीके से बॉईल करने के बाद आप सबसे लास्ट में इसमें नमक ऐड कर दें और सब्ज़ी एकदम तैयार है। आलू मेथी की दही वाली सब्ज़ी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी मम्मी हमेशा बनाती है मेरे लिए जब भी मैं घर जाती हूँ। तो यहाँ पे तैयार है गर्मा गर्म पहाड़ी डिनर थाली जो कि बहुत टेस्टी लगती है। और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, मड़वे की रोटी, आलू मेथी की दही वाली सब्जी और गर्मा गर्म गाजर का हलवा। गुड आफ्टरनून, आज है नेक्स्ट डे मतलब सैटरडे और कल का ही व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल व्लॉग एंड करने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया और दोपहर का टाइम हो रहा है। आज मैंने लंच नहीं बनाया, मॉर्निंग में चावल वगैरह कुछ नहीं बनाया, हस्बैंड ने कहा मैं बाहर ही खा लूंगा तो मैंने कुछ बनाया नहीं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना लिया था सिर्फ, तो अभी मुझे हल्का फुल्का सा ही कुछ बनाना है क्योंकि मैंने एक ऑरेंज खा लिया था और अभी मुझे उतनी ज़्यादा भूख भी नहीं है तो मैगी बना रही हूँ मैं। कभी कभी ऐसे टाइप की चीज़ें भी खानी चाहिए, मज़ा आता है, अच्छी लगती है ना। विंटर्स में गर्मा गर्म मैगी सिंपल सी बना रही हूँ बिना तड़के वाली। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ये वाले हुक चल जाते हैं क्या, निकलते तो नहीं है आपके? तो मैं बता दूँ ये वैसे निकल जाते हैं, बिल्कुल भी टिकते नहीं हैं, बहुत बेकार क्वालिटी होती है इनकी। चाहे आप कितना भी महंगा लो या फिर कितना भी सस्ता लो, सब एक ही जैसे होते हैं, निकल जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये है फेविक्विक। तो इन हुक्स पे मैंने सब पे जितने भी चिपकाए हुए हैं सब पे फेविक्विक लगाया हुआ है। तो फेविक्विक लगाने के बाद ही बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, इनको कितना भी खींच लो बिल्कुल नहीं निकलते। मैंने हल्द्वानी में भी लगाए हुए थे तो वो अभी तक नहीं निकले और शिफ्टिंग के टाइम पे भी मैंने उनको निकालने की कोशिश की तो नहीं निकल पाया, इसलिए मैं उनको वहीं छोड़ के आ गई और मैंने यहाँ नए वाले ले लिए। तो अगर आप लोग भी चाहते हो हुक लगाएं और लंबे समय तक चले तो आप फेविक्विक लगा सकते हो। शाम के 4 बज गए हैं, मैंने वीडियो अपलोडिंग पे लगा रखा है तो 40% वीडियो हो चुका है अपलोड और इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं फोल्ड करने के लिए तो ये मुझे फोल्ड करने हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप खाली टाइम पे क्या करते हो, तो मैं खाली टाइम पे मतलब वैसे तो मैं खाली होती नहीं हूँ, बहुत सारे काम होते रहते हैं, ये नहीं कि घर के कामों के अलावा भी कोई काम नहीं होता, काम बहुत सारे होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ मतलब जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है तो मैं सबसे पहले काम तो मेरा यही है कि मैं वीडियो एडिट करती हूँ क्योंकि यूट्यूब का काम ही इतना सारा हो जाता है।
और उसके अलावा मैं न्यूज़ सुनती हूँ, क्योंकि जनरल नॉलेज होना और अपने आसपास क्या हो रहा है, अपने कंट्री में क्या हो रहा है, तो इन सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो अपलोडिंग के साथ साथ मैं जितने भी कपड़े रखे हुए हैं फोल्ड करने के लिए वो सब फोल्ड करूँगी, और सॉक्स को मैं हमेशा इसी तरीके से मोड़ के इस तरीके से फोल्ड करती हूँ ताकि जब भी हमें कोई सॉक्स वगैरह ढूंढना हो तो एकदम से मिल जाते हैं। और क्योंकि अलग अलग करके रखो तो कभी ऐसा होता है इधर उधर गिर जाते हैं या फिर मिलते ही नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है। और विंटर्स में हमें सॉक्स चाहिए चाहिए होते हैं, तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। इसको आप इसी किसी बास्केट में अरेंज करके भी रख सकते हैं या किसी अलमारी में कॉर्नर में भी आप अरेंज करके रख सकते हैं। तो सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ योगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे शोल्डर में और राइट हैंड में काफ़ी ज़्यादा पेन था, जिस वजह से मैंने कुछ दिन वीडियोस भी अपलोड नहीं किए थे बीच में, 2-3 दिन तो बस यही पेन चल रहा था। तो मैं काफ़ी दिनों से ये हाथ की एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है। और मतलब होता है ना कि कंप्यूटर पे लगातार लैपटॉप पे कंटिन्यू काम करने से या मोबाइल पे काम करने से मस्कुलर पेन होना कॉमन है, तो इसलिए हाथों की एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो रेगुलर होता है और पेन वगैरह की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। और यहाँ पे मैंने मटर निकाल के रख दी है क्योंकि आलू मटर की सब्जी मुझे बनानी है। और इस कैसरोल के डब्बे में मैंने गाजर का हलवा रखा हुआ है जो लेफ़्ट ओवर था, मैंने कल शाम को बनाया था और ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, क्योंकि मीठा है ना बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता, हैवी हो जाता है। तो कोई स्टील का बड़ा डब्बा था नहीं मेरे पास, तो इस वजह से मैंने कैसरोल के डब्बे में रखा था। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि शाम के टाइम पर आजकल मन करता है कि क्या गर्म चीज़ बना के खाऊँ। चाय ज़्यादा सही, मतलब चाय ज़्यादा सही नहीं होती है पेट के लिए, चाय पीने के बाद मेरे पेट में जलन होती है, तो इसलिए मैं चाय कम पीती हूँ और कॉफ़ी पीती हूँ आजकल। कॉफ़ी लेके आ गई हूँ मैं अंदर वाले रूम में, और दिन के टाइम पे मैं यही वाला ब्लैंकेट ओढ़ती हूँ क्योंकि ये हल्का भी है और ये काफ़ी गर्म भी होता है। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।